विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। से किस तरह से पार पाना है, तो इसको लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। एसएनसी G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूं और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष हैं जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है, और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी भी यहाँ पर जाहिर की, जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया यहाँ पर, और उसके बाद अब जो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे, पहले से मजबूत थे, अब और ज़्यादा उनको कैसे प्रगाढ़ करना है, और वैश्विक जो चुनौतियाँ हैं, वैश्विक जो समस्याएँ हैं, उनसे कैसे पार पाना है, दोनों देश मिलकर इस बैठक में इसका हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और साफ तौर पर क्योंकि तमाम अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर यहां पर विचार विमर्श हो रहा है, और उसके बाद इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं जो हल है वो निकालने की कोशिश यहां से की जा रही है, तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक है। और आपको बता दें कि जो इस बैठक के जो अहम मुद्दे हैं वो हैं शांति, स्थिरता, समृद्धि, खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहां पर बात होने हो रही है, और इस बैठक को लेकर क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आइए एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। एसएनसी G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूं और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष हैं जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है, और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी।